रहिए मेरा दरिया खान, हम सब की पहचान। والسلام على خاتم النبيين اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير اياك نعبد واياك نستعين میرے نہایت قابل احترام واجب الاحترام میرے بڑے بھائی خان عمر ایوب خان صاحب وفاقی وزیر پٹرولیم و انرجی نہایت قابل احترام میرے بڑے بھائی خان سعید اکبر خان روانی صاحب نہایت قابل احترام میرے محترم بھائی خان امیر محمد خان صاحب معززین علاقہ عمائدین علاقہ چیف انجینئر سوئی گیس چوری شفقت ورک صاحب چیف انجینئر فیسکو چوری منیر بڑائی صاحب میرے میڈیا کے بھائیوں دوستوں ساتھیوں پاکستان تحریک انصاف کی تنظیمیں نمانی یوتھ ونگ مستی خیل یوتھ ونگ حسن خیلی یوتھ ونگ اور میڈیا کے دوستوں ساتھیوں میں آپ کا دل کی اتھا گہرائیوں سے شکریہ بجا لاتا ہوں اور دونوں ہاتھوں سے آپ کو سلام پیش کرتا ہوں کہ ضلع میاں والی کی حد سے لے کر جس صالحانہ انداز میں آپ نے خان عمر ایوب خان کا استقبال کیا چاہے وہ جہاں جہاں سے خان صاحب آتے گئے چندنی چوک پہنچے کلور کوٹ پہنچے پنج گرائی پہنچے کانجن پہنچے میبل پہنچے دریا خان پہنچے جہاں جہاں سب پہنچے آپ نے اپنی آنکھیں نچاور کر دی ہیں اس لیے میں آپ کا شکریہ بجا لاتا ہوں میرے لیے الفاظ نہیں ہے کہ میں اللہ سبحانہ و تعالی کا کیسے شکر بجا لاؤں دریا خان والوں I love you. دریا خان والو دریا خان کے چہرے بندو دریا خان کے مجھے دو کی بات ہے یہ میرے لیے اقتصاد کے لمحات ہیں کہ خان عمر ایوب خان نے اس شدید ترین سردی میں آپ کو پتا ہے کہ روڈ خراب ہے جب میں نے اپنے بھائی سے گزارش کی کہ آپ مہربانی فرمائے آپ سنگ بنیاد کے لیے آئے تو خان عمر ایوب خان نے مجھے کہا ثناء اللہ خان آپ خود کرو میں نے کہا نہیں میرے حلقے کی عوام چاہتی ہے کہ صدر ایوب خان کا پوتا جس نے پاکستان کو بنایا جس نے پاکستان کی بنیادوں کو مضبوط کیا گوہر ایوب خان کا بیٹا یہ تین منسٹرز نے میاں نواز شریف کی کیبنٹ میں یہ کہا کہ میاں صاحب ایٹم بم کا دھماکہ کرو میاں نواز شریف نے پسو پیش سے کام لینے کی کوشش کی تو گوہر ایوب نے کہا
शेख रशीद ने कहा और जिंदा है हमारे जफर नाग साहब कि अगर आपने ये एटम बम का धमाका न किया तो हम आपका धमाका कर दे। मेरे लिए ये एजाज की बात है कि उमर अयूब खान ने हम पे मेहरबानी की और यहाँ पखर की सरजमीन पे तशरीफ लाए। हम उन्हें दिल की यथा गहराइयों से खुश आमदीद भी कहते हैं और उनके लिए आंखें भी मिझाते हैं। मैंने जब मेरे भाइयों दरिया खान के गैरतमंदों जब मैं 2002 में एमएलए बना, मैंने यहां पे इल्म की रोशनी बांटी, इल्म के मेयार कायम किए, इल्म की शमा रोशन की कालजों की शक्ल में, स्कूल की शक्ल में, कि यहां से मेरे हलके के बेटे मेरी बेटियां कदीर खान बने, इमरान खान बने, बेनजीर भुट्टो बने, बड़े बड़े संस्थान बने। उसके बाद अल्लाह ने मुझे मौका दिया ये थॉल मोटर में जो हड़प्पा के खंडरात थे, कलूर कोट के और दरिया खान के, और ये लोग गवाह हैं कि रोड चलने के काबिल नहीं थी। वो सराइती चाहते उन्होंने तो गैल ही चली आई, बंदा गैल से टुर पौंदा है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने करम फरमाया, 100 किलोमीटर वो लंबी थल मोटरवे मैंने आपके कदमों में निछावर की, 500 देहात की बिजली निछावर की। अल्लाह सुभान व तआला का लाख लाख शुक्र गुजार हूँ जिनके कब्जे कुदरत में मेरी और आपकी जान है, जो इन कदीर है। अल्लाह की मर्जी से आपकी मंशा के अलावा कोई चरिंद और परिंद भी पर नहीं ला सकता। आज अगर हमारा ग्रुप खान सईद अकबर खान, खान अमीर मोहम्मद खान सजदे में पड़े रहे तो अल्लाह का शुक्र बजा नहीं ला सकते। आप लोगों ने गैरतमंदों, आप लोगों ने, मेरे भाइयों ने, मौजदीन ने, हमायतीन ने, हमें आजाद असियत में तीनों भाइयों को वादे लीग से कामयाब बना के सब्जी में भेजा। कि मैंने पखर में सियासत का ट्रेंड चेंज किया, मैंने पखर में सियासत को नई लाइन्स ऑफ एक्शन दी, मैंने पखर में सियासत को नया ढंग दिया, तालीम और तरक्की का, फलाह बहबूद का, और यहां पे फलाही सियासत का। चूंकि मेरा यह ईमान है, मेरा उठना, मेरा बैठना, मेरा जागना, मेरा चलना आपकी वजह से है, ग्रुप की वजह से है, दोस्तों की वजह से है। मैं इस मौका पे अगर अपने भाई, इस धरती का बेटा, इस धरती का मसीहा इमरान खान का शुक्रिया अदा न करूं तो सख्त नाइंसाफी होगी। जब मैंने अपने भाई इमरान खान से कहा कि मैंने कहा ये कितनी जाती है कि कोटला जाम से गुजर के गैस जा रही है, मेरे भाई इमरान खान तुम कुर्सी के साइड पे बैठे हो, कुर्सी के दूसरी साइड पे मैं बैठा हूं और दरमियान को गैस न मिले तो इससे बड़ी जाती क्या होती है। और मैं शुक्रिया बजा लाता हूं कि वजीर आजम इमरान खान का उमर अयूब खान ने खान के कहने पे अल्हम्दुलिल्लाह आपके ये पूरे इलाके जो कोटला जाम से शुरू होके चूनी शुमाली, कोटला जाम, टिब्बा हबीब शाह, टिब्बा सेगड़ा वाला, बस्ती खोखरा वाली,
दरिया खान अंगरा और ये हसन शाह तक एक ऐसा हमने मोटरवे गैस की बना दी है, जो ऐसी मोटरवे है जो आसपास की तमाम आबादियों को, आपने सुना कि चीफ इंजीनियर साहब कह रहे थे कि ये 180 किलोमीटर पे पिछड़े कितने जी 180 किलोमीटर। और मैं अगर इस मौके पे अपने भाई चीफ इंजीनियर चौधरी शफकत बेग का भी शुक्रिया अदा न करूं तो ये सख्त नाइंसाफी होगी। मैं उनका भी दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रगुजार हूं कि चौधरी शफकत बेग ने कहा मस्ती खैल पाकिस्तान में गैस आए ना आए आपके इलाके में गैस आएगी। ये बाद लोग ये कह रहे हैं हमारा ग्रुप बिला इम्तियाज खिदमत का कायल है, मैंने ये हमारे ग्रुप ने ये कभी नहीं कहा। हम जहां लाइट देते हैं, बिजली देते हैं, सड़क देते हैं कि शायद मेरे किसी सियासी इख्तलाफ रखने वाले ने हमें वोट नहीं दिया तो उसकी गली को छोड़ दो, उसके मोहल्ले को छोड़ दो। हम उन कब जार्फ लोगों में से नहीं है, खिदमत के खायल है। यहाँ कुछ बंदा मुझे बता रहा था कि शायद ये जो फोटा की उस साइड पे ये जो जा रही है रेलवे ट्रैक के फारूकाबाद का मल्ला छूट जाएगा। मैं कह रहा हूँ फारूकाबाद को गैस नहीं मिली तो मैं सारी जिंदगी इलेक्ट्रिक। मैं बड़े वसीउल कल्ब का आदमी हूं, लोग जो कहते रहे मैं तो खिदमत का कायल हूं। मैं जो आपके लिए अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मैंने आपसे इलेक्शन में वादा किया था कि मेरे भाइयों आप हमें वोट दे रहे हैं, अगर कौमी असेंबली की दरो दीवार इसकी गवाही न दे कि आपके इस बेटे ने आपके इस भाई ने आपकी आवाज ऐसे बुलंद की है जैसे बुलंद करने का हक है तो मुझे गोली मार देना। जो जाते हैं असेंबली में एक जहां से सबका भी बना था असेंबली में गया था, आवाम की कोई बात बुलंद नहीं की, आवाम के मसाइल की बात नहीं की, यहाँ की फलाह बहबूद की बात नहीं की, केड़ी गल की तिस पेश जुए की करारदाद पेश कर ली थी। कितने जालिम हैं कि जुल्म जुल्मत को ज्या कहते हैं, कितने बेदर्द हैं कि सर सर को सबा कहते हैं, मुल्ला की अजार है, मुजाहिद की अजार है, शाही का अजार यहाँ पे इंशाल्लाह ताला ये आपके दरिया खान वालों, मैं इतने आप अजीम लोग हो, आप इतने बाजमीन और गयूर हो कि मैं आपका एहसान नहीं उतार सकता। मैंने ये कोशिश की है कॉलेज की शक्ल में जो मैंने आपके बच्चों और बच्चियों को रोशनी दी है तालीम की कि मेरी रिश्ते मेरी बेटियां बकर पढ़ने न जाए, दूर त्रास पढ़ने न जाए, ताकि हमारी खुददारी और गैरत जो है वो किसी दांत में न लगे। मैंने आपके कदमों में निछावर की, आज मैं आपके सामने मैंने जो गैस निछावर की है आपके सामने, ये इंशाल्लाह ताला वो पूरा करते हैं जो हर घर की जरूरत है। मेरे भाइयों आपको पता है मौत एक दिन आनी है,
मौत एक दिन आनी है, अल्लाह वाहदहू ला शरीक ने देनी है। मौत का दिन मुअय्यन है, आगे पीछे नहीं हो सकता। आपका इस भाई ने, आपके इस बेटे ने, खान उमर अय्यूब खान गवाह है। मैं सीना तान के आंखों में आके डाल कर बात करने का कायल हूं। जिद में ऊपर अल्लाह वाहदहू ला शरीक से डरता हूं, नीचे आपकी मोहब्बत, आपकी हैरत और आपके प्यार का मैं मकरूज हूं। बात लंबी हो रही है, मैं आपका शुक्र गुजार हूं। खान उमर अय्यूब खान साहब का दिल किया था गहराइयों से, क्योंकि हमारे अब्बा अजदाद ने भी सदर अय्यूब खान को सपोर्ट किया था, हमें फख्र है इस बात पे। दूसरा, यहाँ पे दरिया खान में पिछले दौर में भी मैंने एलटी प्रपोजल्स अपने फंड से मंजूर करवाई थी, और एलटी पोल्स का खान उमर अय्यूब खान साहब, आपको मैं बताता चलूँ कि उस दौर में प्रेसिडेंट मुशर्रफ ने रूल्स को रिलैक्स किया था मेरे और सुबैरा मलिक के लिए भी, हालांकि हम एक पोल एंट्री पोल नहीं दे सकते थे। मेरी गुजारिश होगी, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप मेरे ध्यान फरमाए, यहाँ पे छोटे छोटे कोर्ट लगते हैं। दरिया खान की जो एंट्री प्रपोजल्स हैं, जो लंबी कतारें हैं, जहाँ ट्रांसफार्मर्स कम हैं, अपग्रेडेशन के मामलात हैं, मैं जाग रहा हूँ। मैंने खान साहब को वो मुकदमा आपका पेश कर दिया है जिसमें 11 के वी झंडा वाला मंजूर किया जाए, 11 के वी अली खैर, 11 के वी पहावर कला और 11 के वी खोखर, जिसके कोर्ट लग चुके हैं, इसको एक्सपीडाइट किया जाए, इसको कंप्लीट किया जाए। और उसमें मेरी गुजारिश होगी कि हमारा जो ट्रांसफार्मर जलता है तो हमारी यहाँ पे वर्कशॉप नहीं है, वो फैसलाबाद हम लेके जाते हैं, ये सरकार का खर्चा भी ज्यादा आता है। और यहाँ पे लोगों के बाज़ का ये होता है कि 5-5, 10-10 रोज तक बिजली भी नहीं चल सकती, लेकिन आपके आने से खान उमर अय्यूब खान, आपने इस पर काफी हद तक का काबू पाया है। आप चूंकि अवाम के नुमाइंदे हैं, आवाम गली मल्ले की बात को आप समझते हैं, आप हमेशा अपने अफसरान को ये कहते हैं कि ट्रांसफार्मर में कमी ना आए। तो मेरी गुजारिश ये होगी कि मियाँ वाली पखर और जो है उसके लिए जो है वो बखर के लिए मियाँ वाली के मियाँ वाली और खुशहाल में अगर आप एक लेबॉरेटरी बनाते हैं तो हमें वहाँ दूर नहीं जाना पड़ेगा जी। इस तरह हमारी जो दरिया खान में जो हमारा डिवीजन है, इसमें स्टोर की सहूलत नहीं है। बाकी एंटी प्रपोजल की भी बड़ी शिकायत है, खासकर दरिया खान का एक मोहल्ला है, मोहल्ला शर्की जी, दरिया खान शुमाली, फरूखाबाद, काफ़ी झंडा वाला इस तरह सिटी एरिया में, दुलेवाला में, कुरुकोट में और बाकी चकूक में जो है वो इशूज बनते हैं। मेरी गुजारिश होगी कि वो मेहरबानी फरमाएं, ये रिप्लेसमेंट ऑफ सिक ट्रांसफार्मर्स हैं जी, कि जो हमारी चीन प्रपोजल गई हुई है कि ट्रांसफार्मर्स की, वो चीफ साहब को आप हुक्म करेंगे कि वो जो है वो जल्द अज जल्द यहाँ पहुँचे। इसी तरह हमारी जो है वो बाकी मामला है, रेजिडेंस है, एस डी ओ की यहाँ नहीं है, कंस्ट्रक्शन ऑफ रेजिडेंस एग्जीक्यूटिव इंजीनियर दरिया खान के नहीं है, उसके बाद जो है वो हमारी कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑफिस बिल्डिंग ऑफ एस को सब डिवीजन दुले वाला, उसकी बिल्डिंग नहीं है, वो आप मेहरबानी फरमाएं जी। और इंशाल्लाह मैं जाते हुए मैं अपने बड़े भाई खान उमर अय्यूब खान से अपील भी करता हूँ, गुजारिश भी करता हूँ, रस्ते में मेरी और आपकी बातें भी होती रही हैं, तो ये कलूर कोट झंडा वाला और दुल्हे वाला के लिए भी गैस का वादा फरमाएं, ताकि वहां भी ये गैस आ सके। फिर आप तमाम दोस्तों का, भाइयों का, मुजीन का, सोशल मीडिया का, यूथ की तंजीमों का, जो जो जिस हैसियत में आए, अपने मीडिया के भाइयों का शुक्र गुजार हूँ कि ये इंशाल्लाह ताला ऐसा प्रोजेक्ट है जो आपके बच्चों और आपके घरों की निगरानी में होगा। पाकिस्तान इमरान खान। और मेरे भाइयों, दूसरा मैंने नारा लगाया था, हाँ मैं भूल रहा था, एमएम रोड का इलेक्शन से पहले और थाल यूनिवर्सिटी का, हम इंशाल्लाह ताला इमरान खान का और पाकिस्तान तरीके इंसाफ का, हम यहाँ पार्लियामेंटेरियन बैठे हैं, इमरान खान का हम पे बहुत बड़ा एहसान है कि
इमरान खान ने थल यूनिवर्सिटी मंजूर कर दी है, उसका 200 एकड़ रकबा मुंतकिल हो गया है और MM रोड इंशाल्लाह ताला 100 अरब रुपए का 4 लेन का एक्सप्रेस रोड बनेगा मियांवाली से मुजफ्फरगढ़ तक 286 किलोमीटर इंशाल्लाह। अकबर खान और खान अमीर मोहम्मद खान के काफी प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में हैं, इसमें आपको इंशाल्लाह खुशखबरियां मिलेंगी, ऐसे प्रोजेक्ट्स लाएंगे जिस पे हमारे नौजवानों आप फखर महसूस करोगे इंशाल्लाह। पाकिस्तान देखते रहिए मेरा दरिया खान, हम सबकी पहचान।